नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन ट्यूटोरियल बेसिक्स में। आज हम बात करेंगे फ्लो कंट्रोल की। तो फ्लो कंट्रोल क्या होता है, अब उसको समझने के लिए हम लास्ट टाइम के प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिया था जो आपका पहला प्रोग्राम था, और उसमें प्रोग्राम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था। प्रिंट फंक्शन हमने यूज़ किया था जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा था स्क्रीन में, फिर से प्रिंट फंक्शन यूज़ किया था व्हाट इज़ योर नेम डिस्प्ले करने के लिए, फिर इनपुट फंक्शन हमने यूज़ किया था जो भी टाइप इनपुट होगा वो माय नेम वेरिएबल में स्टोर करने के लिए, और फिर से प्रिंट यूज़ किया था जो इसे डिस्प्ले करता है स्क्रीन में, प्लस कॉन्केटनेट करता है माय नेम वेरिएबल में जो भी नेम इनपुट हुआ था उसे, फिर से हमने प्रिंट यूज़ किया जो इस सेंटेंस को डिस्प्ले करता है स्क्रीन में, और उसके बाद हमने लेन फंक्शन यूज़ किया जो जो आपने इनपुट किया था नेम, उस नेम के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए लेन फंक्शन यूज़ करते हैं, और फिर हमने ये फिर प्रिंट फंक्शन यूज़ किया जो एज ये सेंटेंस प्रिंट आउट करेगा, फिर हमने इनपुट फंक्शन यूज़ किया जो एज जो आप टाइप करेंगे उसे माई एज वेरिएबल में स्टोर करता है, और फाइनली फिर से प्रिंट फंक्शन यूज़ किया जो प्रिंट करता है इस सेंटेंस को प्लस एज प्लस वन, और फिर जो भी बनता है एज प्लस वन वो एंड प्लस दिस नेक्स्ट ईयर का एज। यहाँ पे आप जैसे कि आप देख रहे हैं ये बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, यहाँ पे कोई किसी तरह का डिसीजन मेकिंग इस प्रोग्राम में नहीं है कि अगर डिसीजन लेना पड़े तो वो नहीं है। तो डिसीजन लेने के लिए हमें समझना होगा फ्लो कंट्रोल, और वो आज कर रहे हैं। उसके लिए एक प्रोग्राम मैं और दिखा देता हूँ आपको। इस प्रोग्राम को अभी अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सिंपल इंग्लिश जैसा ही है। अगर समझ नहीं भी आ रहा है इसको हम आगे कवर करने वाले हैं, बस मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैंने ये करा कि पहला जो है वो है सेक्स इनपुट करना है, जैसे आर यू अ मेल और अ फीमेल, ये इनपुट करना है, आइदर आप मेल हो या फीमेल हो, और जो भी इनपुट होगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने सिंपल इंग्लिश आप ले लो, अगर सेक्स इक्वल टू मेल होता है तो आप प्रिंट करोगे बियर्ड कलर सर्विस फॉर यू, और अगर सेक्स इक्वल टू फीमेल होता है तो आप प्रिंट करोगे हेयर रिबॉन्डिंग सर्विस फॉर यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑप्शन दे रहे हैं आप, दो ऑप्शन है, प्रोग्राम को ये नहीं पता आंसर क्या आना है, आ सकता है। प्रोग्राम को ये पता है कि आइदर मेल होगा या फीमेल, अगर तो उन दोनों के लिए आप कंडीशन लिखते हो, अगर मेल आंसर आता है तो आपने डिस्प्ले करना है ये, अगर फीमेल आंसर आता है तो आपने डिस्प्ले करना है ये। तो यहाँ पे कंट्रोल फ्लो का, अब इसको रन करके देखते हैं, रन मॉड्यूल पे जाएंगे और ये क्वेश्चन है आर यू ए मेल और ए फीमेल, मेल लिखते हैं एंटर करते हैं तो ये डिस्प्ले हो रहा है बियर्ड कलर सर्विस फॉर यू। दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करते हैं, अब फीमेल लिख के देखते हैं, और दूसरा जो था हेयर रिबॉन्डिंग सर्विस फॉर यू। तो ये अब प्रोग्राम अगर समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, इसे हम कवर करने जा रहे हैं इसीलिए ये चैप्टर है। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए कि अब हम डिसीजन मेकिंग पावर अपने प्रोग्राम्स पे लाएंगे, और इसे समझने के लिए लूप्स और कंडीशंस को समझने के लिए उससे पहले हमें समझना होगा कुछ बेसिक चीज़ों को, और वो है सबसे पहले हमें समझना है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या है, क्योंकि आप जहाँ कंडीशन चेक करेंगे तो कंपैरिजन, जैसे कि मैंने अभी एक प्रोग्राम आपको दिखाया और यहाँ पे हम इक्वल टू साइन यूज़ कर रहे हैं। व्हाट इज़ इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू कंपेयर कर रहा है, और व्हाट इज़ इक्वल टू क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है, इनपुट कर रहा है, जो भी आया यहाँ पे अगर आंसर होता है मेल मेल तो मेल स्टोर हो जाता है, सेक्स इज इक्वल टू मेल यहाँ पे स्टोर हो जाता है ये, और उसके बाद
यहाँ पे दिस इज मेल, और ये कंपेयर होता है मेल इक्वल टू मेल, कंपेयर करके बताते हाँ अगर है तो इसका रिप्लाई आएगा आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स इज अ बुलियन वैल्यू, और ये आइदर आपका ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अगर यहाँ पे इनपुट हुआ है मेल तो ये ट्रू आएगा, राइट और अगर यहाँ पे इनपुट होता है फीमेल तो ये इसका रिप्लाई फॉल्स आएगा, क्योंकि फीमेल इज इक्वल टू कंपेयर कर रहे, फीमेल इज बीइंग कंपेयर्ड टू मेल, तो आंसर आएगा फॉल्स। फिर यहाँ पे यहाँ फॉल्स होते यहाँ पे चेक होगा फीमेल इज इक्वल टू फीमेल और आंसर आएगा ट्रू, और जहाँ ट्रू होगा ट्रू होने के बाद उसका नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फॉल्स हो गया, फॉल्स होते इस लाइन पे आ जाएगा। सो इसी तरह कंपैरिजन के सारे ऑपरेटर्स आपको समझने हैं। फर्स्ट है इक्वल टू कंपैरिजन, इक्वल टू को हम समझते हैं आइडल, से फॉर एग्जांपल 6 इज इक्वल टू 7, आंसर आएगा फॉल्स, बुलियन आंसर आएगा ट्रू, आइदर ट्रू और फॉल्स, राइट। 7 इज इक्वल टू 7 और आंसर आएगा ट्रू। सपोज एक्स इज इक्वल टू 85 एंड वाई इज इक्वल टू 67, और अब हम कंपेयर करते हैं एक्स इक्वल टू वाई, हमने पाइथन को क्वेश्चन पूछा है एक्स इक्वल टू वाई और रिप्लाई आता है फॉल्स, एक्स इज 85 वाई इज 67, और अगर हम लेते हैं जी इक्वल टू 85 और फिर क्वेश्चन पूछते हैं एक्स इक्वल टू जी एंड आंसर इज ट्रू क्योंकि बोथ आर 85। ये हो गया इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एक्स इज नॉट इक्वल टू, ये सिंबल है नॉट इक्वल टू का, नॉट इक्वल टू एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। आप देखिए एक्स इज 85 है वाई इज 67, और मैंने क्वेश्चन पूछा एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, आंसर क्या आएगा ट्रू, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। जी इज नॉट इक्वल टू एक्स, सो एक्स इज 85 एंड जी इज ऑल्सो 85, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू जी क्वेश्चन है तो आंसर इज फॉल्स बिकॉज दे आर बोथ इक्वल। सो 6 इज लेस देन 9 ट्रू, लेस देन फिर ग्रेटर देन, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है इनका रिप्लाई जो है हमेशा ट्रू और फॉल्स में आएगा, ट्रू राइट। 7 इज ग्रेटर देन 9 फॉल्स एंड लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल चलो इसी में कर लेते हैं 45 इज लेस देन 50 राइट, तो आंसर क्या आएगा ट्रू, 45 इज लेस देन 50, और अगर मैं करता हूँ 45 इज लेस देन इक्वल टू 50 तो आंसर क्या आएगा ट्रू अगेन। यहाँ पे हम बोले आइदर लेस देन या इक्वल टू है क्या, तो इक्वल नहीं है लेकिन लेस देन है, तो दोनों में से एक ट्रू है सो इट इज ट्रू। अगर 45 इज लेस देन इक्वल टू 45 है, अब लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है तो भी आंसर आएगा ट्रू। इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 70 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सो अगर कई बार हमें होता है कि कंपेयर करते टाइम जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसे भी इंक्लूड करना होता है, तब हम ये यूज़ करते हैं इक्वल टू, क्योंकि अगर
सपोज हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं अप टू फाइव इंक्लूडिंग फाइव, तो इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू हम यूज करेंगे। तो ये हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स, राइट। ये आपने पहले भी स्कूल में सीखा होगा, बस यहाँ पे एक दो सिंबल्स अलग है। इक्वल टू होता है, सिंगल इक्वल यहाँ पे नहीं होगा, डबल इक्वल साइन होगा जो कि कंपैरिजन बताएगा, नॉट इक्वल टू, और बाकी के ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपको ये ध्यान देना है कि ट्रू और फॉल्स जो है वो हमेशा उसमें टी कैपिटल होगा, फॉल्स में एफ कैपिटल रहेगा। जैसे सपोज एग्जांपल है स्पैम इक्वल टू ट्रू, सो आपको एरर मैसेज आएगा। एरर मैसेज क्या है? नेम एरर है। नेम एरर क्या है? ट्रू इज नॉट डिफाइंड। तो ट्रू स्मॉल हमने यूज किया, तो ये पाइथन के हिसाब से ये एक वेरिएबल है जो आपने डिफाइन नहीं किया, सो नेम एरर आ रहा है। अगर यही हम लिखते हैं स्पैम इक्वल टू ट्रू, तो कोई एरर मैसेज नहीं आता है, और हम चेक करते हैं स्पैम तो वैल्यू आता है ट्रू, दिस इज बुलियन वैल्यू। सिमिलरली टेस्ट इक्वल टू फॉल्स करेंगे तो एरर आएगा, नेम एरर आएगा, और टेस्ट इक्वल टू कैपिटल एफ ए एल एस ई करते हैं तो ये वैल्यू टेस्ट का बुलियन वैल्यू फॉल्स ले लेगा। चलिए तो आते हैं अब अगले पार्ट में, अगले हिस्से में है बुलियन ऑपरेटर्स। बुलियन ऑपरेटर्स तीन हैं, एंड और नॉट, ये तीन कंडीशंस है। अब इनको भी बारी बारी देख लेते हैं। एंड सपोज हम लिख रहे हैं दो कंडीशंस, फाइव इज ग्रेटर देन फोर, इसका क्या आएगा? ट्रू आएगा ऑब्वियसली, तो हम लेते हैं फाइव इज इक्वल, और एक एक्सप्रेशन हम चेक कर रहे हैं एंड सेवन इज ग्रेटर देन नाइन, सेवन इज ग्रेटर देन नाइन इज फॉल्स। सो ये क्या होगा? एक ये फाइव इज ग्रेटर देन सेवन आपको आ रहा है, फाइव इज ग्रेटर देन सेवन आपको आ रहा है ट्रू, और सेवन इज ग्रेटर देन नाइन आपको आ रहा है फॉल्स। तो अगर एक एक्सप्रेशन ट्रू होता है और दूसरा फॉल्स होता है तो ये फॉल्स आएगा, ठीक है। अब हम दोनों ट्रू करके देखते हैं, फाइव इज ग्रेटर देन फोर इज ट्रू, दूसरा लेते हैं सेवन इज लेस देन नाइन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब इन दोनों को ले लेते हैं हम, फाइव इज ग्रेट एंड सेवन इज लेस देन नाइन, दोनों ट्रू है तो हमें जो अभी इस कंडीशन का वैल्यू होगा ट्रू। एंड ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होगा? अगर बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन द रिजल्ट विल बी ट्रू, और दोनों में से कोई भी एक अगर फॉल्स होता है तो कंडीशन विल बी फॉल्स। दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होता है, आइदर ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज फॉल्स, और दोनों अगर फॉल्स होता है तब तो फॉल्स ही है। सपोज x इज इक्वल टू सिक्स, y इज इक्वल टू एट, ठीक है। हम कंपेयर करते हैं x इज इक्वल टू सिक्स, कंपेयर कर रहे हैं कि क्या x सिक्स है, एंड y इज इक्वल टू एट, और आंसर इज ट्रू क्योंकि ये सही है। और अगर हम करते हैं x इज लेस देन 10 एंड x इज 6, राइट, x इज 6, सो x इज लेस देन 10 इज ट्रू। चलिए एक एक करके देख लेते हैं, फिर आप कंबाइन कर लेंगे। x इज लेस देन 10 इज ट्रू क्योंकि x इज 6, एंड दूसरा ले लेते y इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, y इज इक्वल टू 8 है तो ऑब्वियसली दिस इज फॉल्स। तो एक ट्रू एक फॉल्स हम ले रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 10 एंड y इज
x इज लेस देन 10 एंड y इज ग्रेटर देन 10, तो ये आएगा फॉल्स, क्योंकि एक ट्रू है एक फॉल्स है, राइट अगर दोनों फॉल्स होता है, सपोज x इज नॉट इक्वल टू 6 विच इज फॉल्स, हमें पता है कि x इज इक्वल टू 6, और दूसरा भी ले लेते हैं हम y इज ग्रेटर देन 8 विच इज अगेन फॉल्स, क्योंकि हमें पता है y इज इक्वल टू 8, ग्रेटर देन 8 नहीं है, तो दोनों हमने फॉल्स लिया, तो क्या आएगा फॉल्स। तो यह है कि अगर बोथ ट्रू होता है एंड स्टेटमेंट, अगर यूज कर रहे एंड ऑपरेटर, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होता है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स आएगा। चलिए अब और ले लेते, और में क्या होता है, दोनों कंडीशन में से कोई भी एक चलेगा, इसी को ले लेते हैं। ये हमारा पहला था 5 इज ग्रेटर देन फॉल्स 4 इज ट्रू, दूसरा कंडीशन हमारा है 7 इज ग्रेटर देन 9 इट इज फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे हम एंड की जगह और ले लेते हैं और इसे रन करते हैं, दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स। तो और में कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर उसका वैल्यू ट्रू रहेगा, राइट ये ले लेते हैं। सो हमने बोथ 6 ये तो बोथ ट्रू है तो ये ट्रू ही रहेगा, और ये ले लेते हैं, इसमें x इज लेस देन 10 इज ट्रू, y इज ग्रेटर देन 10 इज फॉल्स, एक ट्रू है एक फॉल्स है, और तो ट्रू रहेगा। अगर दोनों फॉल्स है, x इज नॉट इक्वल टू 6 इज फॉल्स, क्योंकि x इज इक्वल टू 6 है, एंड y इज ग्रेटर देन 8 इज अगेन फॉल्स, क्योंकि y इज इक्वल टू 8 है, तो दोनों फॉल्स लेते हैं और एंड की जगह हम और ऑपरेटिव यूज करते हैं, दोनों फॉल्स होंगे तो ये फॉल्स होगा। तो और ऑपरेटर में आपको हर केस में ट्रू मिलेगा, ओनली इन वन केस जहां दोनों फॉल्स है तो आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगा। थर्ड वन और आखिरी है बुलियन ऑपरेटर में नॉट, नॉट ट्रू, ये रिवर्स है नॉट, जैसे कि ट्रू इज ट्रू, नॉट ट्रू इज फॉल्स, राइट। तो उसको निगेट करने के लिए उसका ऑपोजिट हम अगर नॉट नॉट ट्रू, तो पहला नॉट ट्रू क्या होता है इज फॉल्स, फिर बन जाता है नॉट फॉल्स, एंड व्हाट इज नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स इज ट्रू, राइट। अगेन नॉट 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 ट्रू, ये क्या हो रहा है नॉट ट्रू, ये फॉल्स हो गया, फिर आया नॉट फॉल्स इज ट्रू हो गया, फिर आया नॉट ट्रू फॉल्स इज ट्रू, नॉट नॉट फॉल्स इज, पहले क्या हुआ नॉट फॉल्स इज ट्रू हो गया और फिर नॉट ट्रू इज फॉल्स हो गया, राइट। तो ये है बूलियन ऑपरेटर्स, और राइट ये तीन बूलियन ऑपरेटर्स हैं। तो हम कंट्रोल फ्लो करने जा रहे हैं तो उसके लिए ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो ये बूलियन ऑपरेटर्स हैं, वो इनको आप समझेंगे तो आने वाले टाइम में जितने भी हम फ्लो कंट्रोल के स्टेटमेंट्स करेंगे, इफ हो फॉर लूप हो या वाइल लूप हो, ये सारा आपको समझने में आसानी रहेगी। तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है आज के लिए, इसको आप समझ लिए, कुछ भी डाउट आ रहा है कुछ भी नहीं समझ आ रहा आपको तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। और नेक्स्ट क्लास में हम इफ स्टेटमेंट से शुरू करेंगे और मुझे यकीन है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो थैंक